पीछे वाला जो पोस्टर देख रहे हो इसके बारे में भी बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने जो है वो ओ माई गॉड 2 देखा है। रात पूरी ख़त्म हो चुकी है, मेरे साथ में जो बंदा खड़ा है वो भी पागल सा हो गया है। और इसके लिए जो रिव्यू आएगी अपने देव की मूवी के लिए वो भाई परसों दिन ही आएगी, मीन्स संडे के दिन में। तो प्लीज़ यार तब तक के लिए वेट कर लेना। और अभी बात करते ओ माई गॉड 2, क्या ये दोनों जो सीक्वल्स बना है दो फिल्म के उसके मुकाबले क्या हुआ है। देखो जो गदर 2 देखा उसके बारे में मैंने रिव्यू में बताया है, गदर वाला रिव्यू आई थिंक आ चुका होगा, देख रहे होगे। और अभी जो ओ माई गॉड 2 है इसके सामने में भाई बहुत ही हेवी लगा मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा भारी एकदम, मतलब जमा करके गया बात। और ऐसा लगा भाई जो रात को एक हुआ था ना इधर पे हैंगओवर टाइप, वो अब उतर चुका है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट सामने में रखा गया है। पंकज त्रिपाठी के बारे में सच कहना चाह रहा हूँ, पंकज त्रिपाठी क्यों इतना जल्दी ग्रो किए ना भाई, OTT प्लेटफॉर्म में किंग क्यों थे, क्यों मिर्ज़ापुर में वो मतलब कालीन भैया थे, वो भाई आज इस मूवी में समझ में आता है कि उनको कुछ भी दे दो वो फाड़ डालते हैं। और यहाँ पे मुझे ज़रा सा भी भाई परेश रावल की कमी महसूस नहीं होती भी रही है। वहीं पे अगर अपने अक्षय कुमार की अगर बात की जाए तो अक्षय कुमार इस मूवी से कमबैक करने चाहिए, क्योंकि भाई साहब के लास्ट ईयर जो है बैक टू बैक फ्लॉप गई है, और वो फ्लॉप जो है काफ़ी महंगा पड़ा है कि उसके बाद एक अच्छी मूवी आई तो भी जा करके वो फ्लॉप हो गई। और अभी जो ये मूवी है इसको डेफिनेटली मिलना चाहिए। कॉन्ट्रोवर्सी बहुत सारी चीज़ों के वजह से हुआ है, कट्स जितना बोला गया था उससे थोड़ा बहुत मतलब हिलता हुआ नजर आया है, मतलब जितना बता रहे थे 27 कट्स, साथ में कट्स के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आने चाहिए, मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और सच बता रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है, ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन जब आप मूवी देखोगे काफ़ी स्मूथ लगेगा, उस कट्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार ये दोनों मिल करके आतंक मचाने वाले हैं, और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ट्यूसडे के दिन से शुरू होगा, मंडे एंड ट्यूसडे के दिन से, क्योंकि जो चीज़ इससे पहले वाला जो सामने में है गदर 2 उसका बुखार जब उतरेगा ना तो ये मूवी धीरे धीरे ऊपर जाएगी। एंड आई थिंक कि अक्षय कुमार के लिए जो है ना ये बहुत बड़ा एक कमबैक होगा, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्टिंग की अगर बात की जाए अक्षय कुमार हर जगह पे अपना वो वाला अवतार जो कृष्ण भगवान वाला अवतार है कुछ वैसा वाला, मतलब भगवान तो फील करवाने चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से सेंसर बोर्ड ने कह दिया था कि अब से फिल्म नहीं बनेगी, किसी भी भगवान के कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकते, तो भाई यहाँ पे आपको एज अ दूध दिखाया जा रहा है, लेकिन दिल और दिमाग यही हुआ है। जब आप पूरा रात जाग करके ये सारी चीज़ करोगे यही होगा, तो दिल और दिमाग जो है वो एकदम से बसा हुआ है कि ये क्या बन करके आए हैं। अब वो सेंसर बोर्ड का प्रॉब्लम था जिसके वजह से वो चीज़ आप सोच रहे हो, लेकिन वैसा नहीं है। आपको पता है कि हम हर हर महादेव जो अंदर में चल रहा है, हर हर सॉन्ग जब आता है दैट वॉज गूज बम, दैट ग्रेट गूज बम, तो उस वजह से जो है आपको और ज़्यादा पावरफुल फील करवाएगा। जो कॉन्टेंट है, जो स्टोरी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने में रखा गया है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को वो चीज़ समझ में आएगा। इसके ऊपर मैं काफ़ी बार फिल्में बन चुकी है और ज़्यादातर ये ऐसी फिल्में जो है मुंह के खाती है, पर यहाँ पे जो है अक्षय कुमार के वजह से और पंकज त्रिपाठी के वजह से इनके परफॉर्मेंस, इनके सटायर, इनके जिस भी तरह से कॉमेडी टाइमिंग है उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन भी करती है, साथ ही साथ आपको उस पॉइंट तक लेकर भी आती है जो ये मैसेज डालना चाहते हैं आपके सामने। तो आई थिंक दिस विल बी अ ब्लॉकबस्टर, बस इसको एक टाइम की ज़रूरत है। अभी पता है बुखार किसी और चीज़ का चल रहा है, लेकिन इसका बुखार आएगा फ्रॉम द सेकेंड वीक। सो व्हाट्स योर टेक, अगर आपने देखा तो आप बताओ आपको कैसा लगा है, और आप कौन सी मूवी के लिए पहले प्लान करके बैठे हुए हो ये ज़रूर बताना। और जो तो गुल बेंगली जोन आचे के ब्যোমকেশ দুর্গ রহস্য কখন রিভিউ হবে, তো প্লিজ গাইস এক দিনের সময় দাও, এক দিনকে বাদ মে সন্ডে কে দিন মে ডেফিনেটলি আ জায়েগা ইসকা রিভিউ। সো চ্যানেল কো ইয়ার সাবস্ক্রাইব কর লো, বেল কা বাটন দবা লো, ইয়াহ তক ভিডিও দেখনে কে লিয়ে তহে দিল সা ধন্যবাদ। মিলতে হো নেক্সট ভিডিও মে, তব তক কে লিয়ে স্বস্থ রহো, মস্ত রহো, জবরদস্ত রহো।